Hello everyone and welcome back to the channel. In today's video, I'm gonna try the trending baking soda texture paint. जिसका यूज़ करके मैं वेस्ट मटेरियल्स को ब्यूटीफुल वेसेस में कन्वर्ट करूँगी। ये टेक्सचर पेंट किसी भी मटेरियल को सिरामिक लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। So let's begin. But before that, do subscribe to the channel and give this video a thumbs up if you like the ideas. मैं ये टेक्सचर पेंट 4 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स पे ट्राई करने वाली हूँ। ग्लास, प्लास्टिक, टिन कैन एंड सिरेमिक। ये ब्रोकन सिरेमिक मग है। तो टेक्सचर पेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 स्पून एक्रेलिक कलर लिया है। कलर आप अपने चॉइस का कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बीज कलर लिया है और मैं इसमें इक्वल अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। मतलब मैंने यहाँ कलर और बेकिंग सोडा का रेशियो 1:1 रखा है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट वी विल गेट। तो मैं अपना फर्स्ट ट्रायल इस ग्लास बॉटल पे कर रही हूँ। इस टेक्सचर पेंट को अप्लाई करने के लिए आप कोशिश करें कि किसी फ्लैट और ब्रॉड ब्रश का यूज करें और हमें सिंपली इसे अपने बॉटल के ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरीके से। ये पेंट ग्लास बॉटल पे बहुत ही इजीली अच्छी तरीके से स्टिक हो जा रहा है। तो सिमिलर वे हमें छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक से पूरे बॉटल को कवर कर लेना है। तो फर्स्ट कोट ड्राई हो जाने के बाद सेकंड कोट पे मैंने सिर्फ जो थोड़े थोड़े गैप्स रह गए थे उन्हें ही फिल किया है। पूरी बॉटल पे दोबारा सेकंड कोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बहुत इजीली ये वेस्ट ग्लास बॉटल ब्यूटीफुल से सिरामिक टेक्सचर्ड वेज में कन्वर्ट हो गया है विद वेरी लेस एफर्ट्स। नेक्स्ट मैं सेम टेक्सचर पेंट को इस टिन कैन के ऊपर अप्लाई करके देख रही हूँ। यहाँ भी मैंने कलर और बेकिंग सोडा का रेशियो 1:1 रखा है। कलर इस बार मैंने थोड़े बीच के डार्क शेड को यूज़ किया है और ये टेक्सचर पेंट इस टिन कैन के ऊपर बहुत ईजली और स्मूथली अप्लाई हो रहा है विदाउट एनी बेस कोट और प्राइमर। ये जो टिन कैन के अंदर की जो कलर थी उसे भी कम्प्लीटली सिंगल कोट में ही कवर कर ले रहा है। यहाँ मैंने सेम टेक्सचर पेंट को एक प्लास्टिक बॉटल के ऊपर भी अप्लाई किया है। ये इस बॉटल पे स्मूथली अप्लाई हो रहा है लेकिन मुझे इस पे थोड़े ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल हैं जो कि टिन कैन और ग्लास बॉटल में नहीं थे। तो कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद टिन कैन और प्लास्टिक बॉटल इस तरीके से दिख रहे हैं। मैंने इस पर सिंगल कोट ही अप्लाई किया है फिर भी इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छी तरीके से उभर कर दिख रहा है। यहाँ मैं रेड कलर के साथ कुछ ड्रॉप्स ब्लैक कलर के मिक्स करके एक रस्टिक रेड कलर प्रिपेयर कर रही हूँ। अगेन मैंने यहाँ 1 स्पून कलर के साथ 1 स्पून बेकिंग सोडा का रेशियो लिया है और अभी तक हम इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट यूज कर रहे थे। बट दिस टाइम मैं 1/2 स्पून बेकिंग सोडा एक्स्ट्रा यूज करके टेक्सचर पेंट की कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक कर रही हूँ। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई विद दिस कंसिस्टेंसी। तो मैं इस पेस्ट को इस प्लास्टिक बॉटल के ऊपर अप्लाई करके देख रही हूँ। थोड़ा थिक हो जाने की वजह से इस पेस्ट को अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जा रहा है जैसा आप देख सकते हैं और प्लास्टिक के कंटेनर पे ये अच्छी तरीके से स्प्रेड भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल लुक आफ्टर ड्राइंग एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस कंसिस्टेंसी ऑन प्लास्टिक मटेरियल। अब मैंने सेम थिकर कंसिस्टेंसी को एक दूसरे मटेरियल यानी कि एक सिरेमिक के मग पे भी ट्राई करके देखा तो प्लास्टिक बॉटल के कंपैरिजन में सिरेमिक पे ये टेक्सचर इस कंसिस्टेंसी में भी बेटर वर्क कर रहा था और इसे अप्लाई करना भी थोड़ा इजी था।
तो ये है फाइनल रिजल्ट। टेक्सचर पेंट के ड्राई हो जाने के बाद ऑन सिरेमिक मग थिकर कंसिस्टेंसी लेने की वजह से इसके टेक्सचर भी थोड़े ज्यादा अनइवन है कंपेयर टू द ग्लास बॉटल, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ऑन एंड होल इस टेक्सचर पेंट ने ग्लास, सिरेमिक और टिन कैन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट्स आउटकम ऑन प्लास्टिक बॉटल। So this was all for today. Do let me know in the comment section below if you try this texture paint on any of your waste or old material to convert them into a beautiful vase. Thanks for watching.